चलिए बात करेंगे बिलाईगढ़ ब्लॉक की, जहां अलीकूद तालगांव गांव के नाला में पुलिया नहीं होने के कारण ग्रामीणों को भटगांव जाने के लिए आज भी नाला पार करने के लिए ट्यूब और बांस के नाव बनाकर जान जोखिम में डालकर नाला पार करना पड़ता है। आपको बता दें कि लगातार ये परेशानी हो रही है, जिसको लेकर कई बार जिम्मेदारों से गुहार भी लगाई गई, पर समस्या का जो निराकरण है वो अब तक नहीं हो पाया है। अभी हाँ ट्यूब की नाव बना करके मैंने पार करा था मैं, जेमा आदमी मन ला बहुत परेशानी है, उबड़ खाबड़ है, बहुत परेशानी के सामना करना पड़ा था। बांस के बल्ली से बांध देते हैं और उसके नीचे ट्यूब बांधे हैं, उसी से सब यात्री आना जाना करते हैं। पुल नहीं कर रहा, पुल होने पुल नहीं है इस कारण। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिलाईगढ़ की है, जहां जान जोखिम में डालकर ग्रामीण ये नाला पार करते हैं। आपको बता दें कि यहां पर पुल नहीं है, जिसके चलते यहां के रहवासी काफी ज्यादा परेशान हैं, या तो ट्यूब या फिर बांस की बनी नाव के चलते ये लोग यहां से तालाब पार करते हैं और इसको लेकर कई सालों से ये परेशान भी है। बावजूद इसके कई जिम्मेदारों से इन्होंने गुहार भी लगाई और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता अखिल माणिकपुरी जुड़ गए हैं। अखिल, कब से ये हालात यूं ही जारी है, लगभग कितनी आबादी का ये गांव है और क्या कुछ ज्यादा जानकारी पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं के नाले को साल गाँव लगता है, जहां पर ऐसा है कि नाले पार करने के लिए ग्रामीणों को बांस और ट्यूब के सहारे नाव बनाकर पार करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों को आस लगाए 15 साल से बैठे हैं यहाँ पर पुल बनाने के लिए, पुलिया बनाने के लिए, लेकिन आज तक यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग और विधायक ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण नगर पंचायत भड़गांव आने के लिए, चाहे रोजी के सामान हो चाहे सब्जी बेचने के लिए, उन लोगों को बांस और ट्यूब के सहारे नाला पार करने पर मजबूर है। जी, और अखिल, इस तालाब को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या कोई और रास्ता नहीं है एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए? बिल्कुल बता दूं, इस रास्ते अगर इस नाले से पार अगर नहीं किया जाता तो दूसरे रास्ते हैं, लेकिन उसमें से 20 से 25 किलोमीटर दूरी तय कर भड़गांव आना पड़ता है, जिसके कारण इस नाले से पार होता है तो मुश्किल से 5 किलोमीटर दूरी पड़ता है। इसीलिए मजबूरी में ग्रामीण जी और वहां के सहारे नाला पार कर 5 किलोमीटर दूरी कितनी होगी? इसकी दूरी अलीकूद और भड़गांव के दूरी मुश्किल से 5 किलोमीटर अगर नाले पार कर आए तो, और अगर दूसरे रास्ते से आए तो 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है ग्रामीणों को। इसी कारण से ये लोग नाले की ओर से भड़गांव नगर पंचायत आते हैं, चाहे वो वहाँ जो अलीकूद गाँव वहाँ सब्जी अक्सर लगाया जाता है, किसान है वहाँ के ग्रामीण, इस कारण से हमेशा बाजार के लिए नगर पंचायत भड़गांव आने पर हमेशा रहते हैं। और अखिल, इस पूरे मामले को लेकर क्या इन ग्रामीणों ने जिम्मेदारों से बात की, और अगर बात की तो क्या कुछ कहा जाता है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, यहाँ पर विधायक है 15 साल पहले, 15 साल से बीजेपी का सरकार रहा, बीजेपी का विधायक रहा, उससे भी ये लोग आवेदन दे चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं, इस बार विधायक है कांग्रेस का, कांग्रेस का सरकार है, इनसे भी 1 साल से 1.5 साल आवेदन लगाए हुए और गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इन लोगों के द्वारा चुनाव आते हैं उस समय पुलियां बनाने के दे जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये सारी जो आश्वासन दिए रहते हैं, जो वादे किए रहते हैं, ये सारी चीज भूल जाते हैं और जस्ट ग्रामीण वैसी ही नाव के सहारे पार करने पर फिर मजबूर हो जाते हैं। जी, और अखिल, क्या कुछ आबादी होगी इस पूरे गांव की? जी बिल्कुल, यहाँ पे बता दूं तो मैं 700 से 800 वहाँ के ग्रामीणों की जनसंख्या है और सभी वहाँ से सब्जी किसान क्षेत्र है और सब्जी अक्सर लगाया जाता है, जिसके कारण भड़गांव नगर पंचायत मार्केट में सब्जी बेचने अक्सर आया करते हैं। जी, इन कारण से नाव जो पुल है, नाले के पुल है, उससे हमेशा पार होना पड़ता है उन लोगों को, और लगातार खतरा का डर उन लोगों को भय रहता है कि कहीं और जो बांस की बल्ली का नाव बनाया वो कहीं पलट ना जाए, कहीं दुर्घटना ना हो जाए। जी, और अखिल, जिस तरह से ये लोग पुल पार कर रहे हैं, देखकर लगता है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कैसे पहले भी कोई घटना सामने आई है इस तरह की? जी बिल्कुल, बता दूं, इसमें दो बार कई बार घटना ऐसी आ चुकी है जिसमें बाइक जो व्यक्ति रहते हैं, जो बैठे रहते हैं लोगों, उन लोगों को कम नुकसान होता है, तार का निकाल देते हैं, जिसमें उसमें समा रहते हैं, जैसे बाइक की बात करें तो पानी में कई बार बह चुके हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अखिल आपका। और कटंगी